दोस्तों, आज नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुए मैच में नेपाल को बांग्लादेश की तरफ से एक करारी हार मिली है। 106 रनों का पीछा कर रही नेपाली टोली बांग्लादेश के सामने 85 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, इसी हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नेपाल टीम और साथ ही साथ खिलाड़ियों के बारे में बुरा भला पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि ऐसा पोस्ट या ऐसा मनोभाव टीम के प्रति या टीम के खिलाड़ियों के प्रति नहीं लाना चाहिए, क्योंकि देखिए, इस बार जिस पिचों पर वर्ल्ड कप हो रहा है, ये पिचें बल्लेबाजों के लिए सबसे खतरनाक हैं। इन पिचों पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं। चाहे वो किसी भी देश के खिलाड़ी हों या कितने बड़े दिग्गज हों, अंत में वो भी इस मैदान पर एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड कप के स्तर पर खेल रही नेपाल की एक युवा टीम ने अब तक जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। जहां दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका जैसी टीमें इन पिचों पर 60-70 रनों के लिए तरस रही हैं, वहीं नेपाल ने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान 3 मैचों में 102 की औसत से रन बनाए हैं। जहां बाबर आजम, विराट कोहली, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, फखर जमान, केन विलियमसन, मैक्सवेल जैसे और भी बहुत से दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हर एक रन के लिए संघर्ष करके फ्लॉप हो रहे हैं, तो ऐसे में नेपाली बल्लेबाज भला कैसे बच सकते हैं? और फ्लड लाइट के अंडर पहली बार टेस्ट प्लेइंग नेशन के बॉलर्स का सामना कर रहे खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ उन्हें हाई पता है। तो ऐसे में हम उन्हें स्टैंड से देखकर बुरा भला कहना कितनी दूर ठीक है, आप ही बताइए। क्योंकि देखिए, नेपाल टीम को नाइट में मैच खेलने का अनुभव उतना नहीं है, और वैसे भी ये जो पिचें यूएसए और वेस्ट इंडीज में बनाई गई हैं, उनमें एक सही टेस्ट बल्लेबाज भी एक एक रन के लिए तरसेगा। तो फिर T20 जैसे एक शॉर्ट फॉर्मेट में एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाड़ियों को दिक्कत तो होगी ना। और रही बात स्कोर्स की, तो इसी वर्ल्ड कप में हमने अफगानिस्तान के सामने न्यूजीलैंड को 75 रनों पर ऑल आउट होते हुए देखा है। अब बोलिए, न्यूजीलैंड की टीम क्या कमजोर है? क्या न्यूजीलैंड के पास अनुभवी बल्लेबाज और गेंदबाजों की कमी है? इसी वर्ल्ड कप में हमने श्रीलंका को 77 रनों पर ऑल आउट होते हुए देखा है। अब बोलिए, क्या श्रीलंका के पास वो दमखम नहीं है कि वो कम से कम 100 रन बना पाए? वहीं आयरलैंड की टीम इंडिया के सामने 96 पर ऑल आउट हो गई, नामीबिया 72 रनों पर, और आज नीदरलैंड 118 पर ऑल आउट हो गई। तो यहां आप बोलिए कि क्या इन टीमों के पास 100 रन बनाने की भी ताकत नहीं थी? नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन टीम को छोड़ दीजिए, ये सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन क्या कम से कम 100 रन भी नहीं बना पाएंगे? लेकिन आज के मैच को छोड़ दें तो नेपाल हर एक मैच में औसतन 102 से रन बनाता आ रहा है। वहीं आज इसी वर्ल्ड कप से कई बड़ी बड़ी टीमें जैसे श्रीलंका, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, पाकिस्तान, आयरलैंड आदि सुपर 8 की दौड़ से बाहर हैं। क्यों? क्या इनके पास दम नहीं था? इनके पास खिलाड़ी नहीं थे? तो फिर नेपाल टीम के लिए इतना नफरत क्यों? जब बड़े बड़े दिग्गज यहां संघर्ष कर रहे हैं तो नेपाल टीम के खिलाड़ी क्यों नहीं? अगर ये अलग स्थिति होती तो शायद नेपाल आज सुपर 8 में पहुंच चुका होता या उस दौड़ में बना हुआ होता। जिस स्थिति में सभी बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो रहा है, उस सतह पर हम किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते। ये हम क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, हमने एक पोस्ट देखा जहां एक नेपाली फैन ने लिखा था कि दीपेंद्र सिंह एरी टाइगर नहीं है, वह बिल्ली है बिल्ली। ऐसा ना करके अपने खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। एक दिन जरूर आएगा जब आप, तो छोड़िए, इसी खिलाड़ी का तारीफ पूरी दुनिया कर रहा होगा। तो चलिए, ये तो बस शुरुआत है। अब तक गेंद के साथ नेपाली गेंदबाजों ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, और अगर बल्ले के साथ कुछ कमाल देखने को मिल जाता तो इस वर्ल्ड कप में 4 चांद लग जाते। तो आपको ओवरऑल नेपाल टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।